नाम क्या आपका? ज्ञानेश वासनी मोनू। ज्ञानेश जी, आपके पिताजी कैसे खत्म हुए थे और क्या क्या चल रहा है? सर, मेरे पिताजी कोविड में ख़त्म हुए थे और दीनदयाल हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया था। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव हैं और 1 सितंबर 2020 को उनकी डेथ हो गई दीनदयाल हॉस्पिटल में। वहाँ से हमारे पास फ़ोन आया कि आप लोग निमाई शमशान घाट पहुँच जाएंगे, शमशान घाट। तो वहाँ उनका सरकारी तंत्र के द्वारा उनका वो संस्कार, दाह संस्कार हुआ। और उसके बाद जब हमको ये पता लगा सरकारी मदद से कि 108 लोगों की लिस्ट निकली अखबार के माध्यम से कि उसमें 108 लोगों के नाम है, उसमें हमारे पिताजी का नाम नहीं है और ये बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत हुआ है। जो जीवित व्यक्ति है उसके लिए आप मुआवजा दे रहे हैं। किसका नाम आया? एक महिला का नाम आया है कि महिला को जो जीवित है उसको तो मुआवजा मिल रहा है और जो मृतक के हैं, जो परेशान हुए हैं, उनके लिए कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। जिससे कि मैंने सरकारी तंत्र के लिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत चक्कर काट लिए दीनदयाल हॉस्पिटल के, CMO ऑफिस के, वहाँ से मुझे कोई सही जवाब नहीं मिला। यानी कि लिस्ट जो बनाई गई है उसमें कहीं ना कहीं घपला हुआ है, जिसमें नाम होना चाहिए पहली लिस्ट में, तो उसमें नाम हमारे पिताजी का नाम ही नहीं है। मतलब मृतकों के नाम नहीं है और जीवितों के नाम? जीवितों के नाम। कहाँ रहते हैं आप? रफातगंज हलवाई खाना, अलीगढ़। आप जो आपके पिताजी थे? हाँ, मेरे पिताजी थे। कितनी उम्र रही होगी उनकी? करीब 65 वर्ष। नाम क्या आपका? शकुंतला जी। शकुंतला जी, हाँ जी। बताएं। हाँ जी, क्या हुआ, किस तरह की कॉल्स आ रही हैं और क्या हुआ था आपके साथ? ये तो इसीलिए आ रही हैं कि मतलब कैसी तबीयत खराब रही थी, क्या हुआ था, तो पॉजिटिव तो आया ही था वो। अब उसके बाद हम एडमिट हो गए उसमें, जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, अब उसमें एडमिट हो गए। तो उसमें 8 दिन रहे थे, 10 दिन के बाद छुट्टी हुई थी वहाँ से। अब उसके बाद फिर घर पे भी दवा गोली चलती रही। अब उसके बाद ये फोन भी आ रहे हैं कहीं से। किस तरह के कॉल आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि तुम इसमें डेथ दिखाई गई तुम्हारी। हाँ, अब ये है कि मुआवजा मिलेगा, इसलिए फोन आ रहा है। बेटी से बात होती है और मुझे नहीं मालूम। हाँ जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम हेमंत चौधरी है। हेमंत जी, किस तरह की कॉल्स आ रही हैं और क्या कहते हैं वो लोग? ये कई डिपार्टमेंट से पिछले 3-4 महीने से कॉल आ रही हैं और बोलते हैं आप शुरुआत में कि आपकी माताजी की कोविड की वजह से मृत्यु हो गई है, जिनका हमारे पास दस्तावेज है। उनसे पूछते हैं कहाँ से आपको दस्तावेज प्राप्त हुआ, तो बताते हैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल से या जिस किसी भी अस्पताल से आप भर्ती रहे थे उस समय की बात है ये। जबकि हमारी माताजी को मई के 1st वीक में कोरोना हुआ था और उसके बाद उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया, 8 दिन वहाँ पर रहेंगे, उसके बाद ये ठीक हो गई। उसके बाद अपने घर आके आइसोलेट हो गई, बस तो दवाई वगैरह चलती रही, तो नेगेटिव होने के बाद घर आ गई थी। और फिर ये पिछले चार महीने से ये मुआवजा देने के लिए फ़ोन करते हैं कि आप इस तरह से कि डेथ हो गई थी। मैंने कहा उनको कई बार मना भी कर दिया कि भाई नहीं हुई, लेकिन उनके कॉल लगातार आते रहे। और कल पिछले 4-5 दिन पहले फ़ोन आया था तो वो बोल रहे थे इसमें 30,000 रुपये मिल रहे हैं, आप अपने बैंक खाते की डिटेल वगैरह दे दीजिए और हमें मतलब आप ये पैसा प्राप्त कर लीजिए। तो हमने मना कर दिया, भाई हमारी जब मृत्यु हुई नहीं है तो हम क्यों उसको लें। सरकार तो वैसे 50,000 दे रहे थे, 30,000 बता रहे थे। हाँ, वो 30,000 ही बता रहे थे। अब क्यों बता रहे थे क्या नहीं है तो वो पूरी बात बताते नहीं है। तो अब तक कहाँ से कॉल आई आपके पास, बताया उन्होंने? नहीं, ये तो नहीं बताते थे, लेकिन 3-4 बार फोन आ चुका है। ये शकुंतला देवी नाम की महिला है जो जनपद अलीगढ़ के निजी चिकित्सालय में भर्ती रही थी और इसका नाम किसी कारण से मृतक की लिस्ट में चला गया था। ये जैसे ही हमारे संज्ञान में आया हम इसकी जांच करा रहे हैं, महिला से भी बातचीत हो गई है, वो जीवित है और निश्चित रूप से इसका कोई क्लेम नहीं किया गया है। तो क्या मुआवजे के लिए भी महिला को फोन किया गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ? नहीं, जो भी लिस्ट है उन सबको शासन के निर्देश हैं कि सबसे उनके निकटवर्ती परिजनों से बातचीत की जाएगी, उनसे क्लेम मंगाया जाएगा, उनसे जो भी है इंक्वायरी की जाएगी। जब इनके घर पे फ़ोन किया गया तो संयोग से महिला ने खुद ही उठाया और उसने बताया कि मैं जीवित हूँ, अतः क्लेम की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक सर लिस्ट कितने लोगों की बन चुकी है? पूर्व में 108 लोगों की लिस्ट गई थी जिसमें से 1 से 6 लोग ही इन्वेस्टिगेशन के बाद सही पाए गए। मुआवजे की सर जो रकम है वो कितनी रखी गई? 50,000 है मुआवजे की रकम और जिनके वो क्लेम पूरे हैं उनको मुआवजा दिया भी जा रहा है।